उत्तरबंगे उन्नयन निये राज्येर मुख्यमंत्री द्वारस्थ हয়েছেন दार्जिलिंग सांसद राजू बिस्ता। उत्तरबंगेर एकाधिक समस्याके तुले धरे मुख्यमंत्रीर आगामी उत्तरबंग सफरे एकटी प्रस्तावपत्र तुले दिते चाइছেন दार्जिलिंगेर এই सांसद। बृहस्पतिवार सिलिगुड़ीते निजेर बासभवने उत्तरबंगे बीजेपी युव मोर्चा जिला सभापतिदेर निये बैठक करेছেন सांसद तथा बीजेपीर युव मोर्चार साधारण सम्पादक राजू बिस्ता। এদিন তিনি অভিযোগ তুলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকবারে উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন কিন্তু একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও আখেরে কিছুই হয় না। তাই এবারে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন, আশা করব তিনি যা বলবেন কাজে যেন সেই কার্যকরী হয়। আমি চাই মুখ্যমন্ত্রী উত্তরের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্পের ঘোষণা করুক এবং সেগুলোকে বাস্তবায়ন করুক। যদি মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে কোনো কাজ করে তাহলে আমরা তার কোনো কাজে বিরোধিতা করব না। প্রসঙ্গত চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে আসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্याय। नॉर्थ बंगाल बड़ा क्षेत्र है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, लेकिन मैं इस बार अपेक्षा ये करता हूँ उनसे कि मतलब ये चुनावी सभा का जैसा दौरा नहीं हो और वास्तव में नॉर्थ बंगाल को लेकर के ठोस कदम उठाए जाएँ, ठोस घोषणाएं हो और घोषणाओं के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। आप देखिए पहाड़ के अंदर में उन्होंने कहा कि हम जो है यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आज तक तो कोई काम नहीं हुआ। और मतलब मैं जब भी देखता हूँ आकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं, चाय सुंदरी से लेकर के पता नहीं क्या क्या घोषणाएं हुई, सो वो घोषणाएँ सिर्फ कागज़ों में रह जाती है। और सच्चाई ये भी है कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास आज पैसे भी नहीं है, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है और थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज 99% जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार के पैसे से नाम बदल करके चलाया जा रहा है। सो मैं अपेक्षा करता हूँ मुख्यमंत्री जी आए और ठोस तैयारी के साथ आए। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट उनके पास ही है। यहाँ की जो हमारी समस्याएँ हैं, ट्रैफिक की समस्याएँ हैं, बेरोजगारी की जो समस्याएँ हैं, हमारी जो है यहाँ की चाय की जो समस्या है, सिंकोना बगान बंद हो रहा है, टूरिज़्म के अंदर में केंद्र सरकार जो सपोर्ट कर सकती थी काफ़ी किया, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह अनदेखी हुई है। हमारे यहाँ पे जो है ड्राइवर एसोसिएशन है, बाकी विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, मुझे लगता है सबके साथ बैठ करके उनको उस पर जो है ज़रूर काम करना चाहिए। और इस बार मैंने भी सोचा है मुख्यमंत्री जी आने से पहले मैं भी एक पूरा एजेंडा जो है लिख करके उनको भी भेज दूंगा कि इन सब विषयों के अंदर में नॉर्थ बंगाल में ठोस जो है घोषणाएं और योजनाएं करने की आवश्यकता है। इस सफ़र के दौरान ही वो देंगे, मैं उनके आने से पहले ही दे दूंगा। ऐसा मैंने कल ही मेरे सपने में आया और मैंने उसके लिए अलरेडी जो है सोचना भी शुरू कर दिया है कि ऐसे क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो जब आती हो तो यहाँ के उनके अपने लोकल नेता जो है उनको भड़का देते होंगे, घुमा देते होंगे। सो वो ट्रैक पे रहे और नॉर्थ बंगाल की योजनाओं को लेकर के कुछ घोषणाएं करें और काम करें। मैं ज़रूर उनको सहयोग करूँगा। देखिए वो एक मुख्यमंत्री है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और जनता से चुन करके बनी हुई है। हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजी विभिन्न अलग प्रकार की हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, इसमें रहता भी है होता भी है। लेकिन फिर भी जहाँ तक जनता के विषय है उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को आगे चल के पहल करनी चाहिए और कोई भी अच्छा काम नॉर्थ बंगाल को या सिलीगुड़ी की जनता के लेकर के होता है मैं हमेशा उसका स्वागत करूँगा, उसका कभी भी जो है विरोध नहीं करूँगा। বিজেপি বিধায়কের প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন আমাদের বিধায়করা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, দু একজন চলে গেলে তার দলে কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে বিধায়করা যে তৃণমূলে ফিরবে এটা তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভুল প্রচার করা হয়েছে। नॉर्थ बंगाल में कुछ लोग फिर से लौट के भाजपा बंधु बोल रहे हैं, तो उत्तर बंगाल में ऐसा कोई जाने का कोई संभावना है जैसे एमएलए हो या क्या सोच रहे हैं? देखिए 29 विधायक नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम सब साथ में हैं और दूर दूर तक किसी को भी मतलब किसी का भी पार्टी छोड़ के TMC ज्वाइन करने की कोई योजना नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि TMC कई लोगों को फ़ोन करती रहती है, लेकिन हम सब लोग साथ हैं और हम सब लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और हम सब ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का विकास या भला TMC सरकार से तो एटलीस्ट नहीं होगी। हम पेशेंसली प्रतीक्षा करेंगे, हमें भी वो मौका मिलेगा कि हम पश्चिम बंगाल की जनता की और विशेष करके नॉर्थ बंगाल की जनता की सेवा कर पाएँ और वो समय जल्द आएगा और हम अपनी जनता की सेवा करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी के विधायक की किसी तरह की ऐसी योजनाएं नहीं है। ये सब जो है अफवाहें जो है वो टीएमसी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से मीडिया में फैलाती रहती है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। सर, जो लोग बीजेपी से टीएमसी लौट गए उनको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मतलब अगर कुछ लोगों की इच्छा ये होती है कि हमें कुर्सी ज़्यादा प्यारी है तो वो लौट जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने जैसा आपको कहा कि हम एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं पार्टी में, और बीजेपी का तो एक ही आइडियोलॉजी है कि नेशन फर्स्ट, हम देश को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी को सर्वोपरि मानते हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। और हमारी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं कि दो लोग चले जाए तो हमको घबराहट होने लग जाए। ये वही पार्टी है जिसके 2 सांसद होते थे, आज 2 बार बहुमत से सरकार बनी है केंद्र में। ये वही पार्टी है, पश्चिम बंगाल में इससे पहले 3 विधायक थे, आज 77 हैं, और 2026 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जिस तरह से ममता दीदी काम कर रही है, हो सकता है वो जो है समय हमको जल्दी भी जो है जनता की सेवा करने का मौका शायद जल्द मिले, और 2-4 लोग जाते हैं, इससे कोई विशेष पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। जो लोग वापस गया हुआ है वो पहले टीएमसी घराना का ही है। नॉर्थ बंगाल में ऐसे कई विधायक है जो पहले टीएमसी घराने के हैं, तो उनको लेकर आप लोग चिंतित है कि वो लोग फिर से अगर वापस चले जाए तो संभावना भी शुरू। देखिए, मैं फिर वही बात आपको बोलता हूँ कि ये जो अफवाहें हैं ये टीएमसी फैलाने की कोशिश कर रही है। हमारे सब विधायक, कल भी आपने देखा 29 में 24 सब लोग थे, 2-4 लोग दिल्ली में थे, 2-4 लोगों की घर पे कुछ समस्या थी, कोई बीमार थे, एक के तो घर में किसी की डेथ भी हुई थी। अदरवाइज इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर में भी इतने सारे लोग सब मौजूद थे। किसी तरह की जो है इस तरह का विषय कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, और हमारे सारे विधायक साथ हैं, और हम सब लोग आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो नेगेटिव दुष्प्रचार करने का काम टीएमसी करती है। राजू जी, गोल करते पारे ना, दम नहीं, सीढ़ी खाइले जोश आइबो केमने, जोश आसे इंग्लिशे। अच्छा अच्छा, থাক থাক, হয়েছে, দিন কাটে খেয়ে বসে বালিশে, তোমারও তো বালিশে। তাও দেখি একখানা সাপ, এককারে সমর্থ পাইছি বছরের অর্থ। বয়স যেভাবেই লিখ না কেন ডাক, নতুন করে বাঁচার অর্থ জীবন খুঁজে পাক। আমরা গর্বিত সমস্ত প্রবীণ মানুষের জন্য যারা সফল অর্থোপেডিক চিকিৎসা ও জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির মাধ্যমে ফিরে পেয়েছেন তাদের স্বাভাবিক জীবন। নেউটিয়া গেটওয়েল হেলথ কেয়ার সেন্টার, সুস্থ জীবনের অর্থ।